ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, क्या होता है इससे? ये देख लो, सूरज की किरण धरती पे तो आती है तो पोल्यूशन को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिससे सूरज की किरण धरती पे तो आती है पर यहाँ से जाती नहीं है, और इसके लिए टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है और इसलिए हिमालय वगैरह के बड़े बड़े पहाड़ टूट रहे हैं, गर्मी से पिघल रहे हैं बर्फीले, इससे पानी का तूफान कई एरिया में हो रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बताइए इसके गर्मी का छोआ लगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जो सूरज की किरण धरती पे तो आती है उस पॉल्यूशन, वो किरण उस पॉल्यूशन से धरती के बाहर एक रेस बन जाती है, जो वो धरती के बाहर जाती है वो एक रेस का रूप ले लेती है, उस रेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, पर फिर जो वो सूरज की किरण यहाँ धरती से बाहर जाने की कोशिश करते हैं उसे रोक लेती है। अच्छा, ठंड की वजह से क्या खतरा है हमारे को? अरे अब वो इतनी सारी सूरज की किरण आ गई मोटे, आप मान लो एक हिमालय में गए है ना, वहाँ पे आग लगा रखी, बर्फ नहीं पिघलेगी, पिघलेगी तो इतनी सारी किरण से और क्या, बर्फ जमेगी, वही तो बता रहा हूँ कि इतनी देर से पिघलेगी बर्फ, और उससे कई जगह तूफान आएगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो मैं अब दोबारा बताऊँ या नहीं बताऊँ? हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता है।